नोएडा में नदी के किनारे डूब क्षेत्र में जमकर जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। हैरानी की बात यह है कि इन इलाकों में एक ओर प्रशासन ने सावधानी के बोर्ड लगाए हैं तो दूसरी ओर घर हैं। घर के सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस यहां पर बने हुए हैं। अभी बीते दिनों डूब क्षेत्र में बसी जिंदगानी पर पानी कहर बनकर टूटा था, लोगों की जान हलक में अटकी पड़ी थी। जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से अतिक्रमण है और इस अवैध कब्जे की अपनी पूरी कहानी है। रिपोर्ट देखिए। पहले ये तस्वीरें देखिए, आपको याद तो होगा ही कैसे जिंदगी हलकान थी। वैसे बारिश का महीना अभी बीता नहीं है, हो सकता है कि ऐसी तस्वीरों के दीदार आपको आगे और भी हो जाए। खैर, अगर आप इन तस्वीरों को देखकर अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं, ये है नोएडा का डूब क्षेत्र वाला इलाका। तस्वीरों को देखकर तमाम सवाल अनायास ही आपके मन में इन बहती धार की तरह तैर रहे होंगे कि आखिर नदी किनारे डूब क्षेत्र में कब्जा कैसे हो गया, जबकि पूरे डूब क्षेत्र में सावधानी के बोर्ड लगे हैं कि वहां निर्माण कराए जाने पर रोक लगाई गई है। बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि जमीन पर निर्माण करना अवैध है। मेरे ठीक पीछे चेतावनी और दूसरी तरफ फार्म हाउस की कहानी। फार्म हाउस की कहानी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चेतावनी दिखाएंगे। स्पष्ट लिखा है कि ये जो चेतावनी लिखी हुई है उसमें लिखा है, सब साधारण से सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, अवैध फार्म हाउस का निर्माण नहीं किया जा सकता है। एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन है और इसके अलावा ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है यहाँ पे खरीद फरोख्त। लेकिन आपको पीछे की तस्वीर दिखाएंगे कि ठीक पीछे यहाँ पर एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में फार्म हाउस बने हुए हैं। अब इन फार्म हाउसों को देख लीजिए और इन घरों को भी देख लीजिए जो प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो इन डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं। दरअसल नोएडा में सस्ते दाम में जमीन दिलाने का दावा किया जाता है। किसानों से जमीन लेकर बिचौलियों लाखों में इसे गरीबों को बेच देते हैं और गरीब अपना घर तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का अंदेशा नहीं होता। तो नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन एक बार फिर से ज्वाइंट सर्वे करा रहा है। डूब क्षेत्र, तमाम ऐसे डूब क्षेत्र हैं नोएडा में। ये एक लौता फार्म हाउस नहीं है, यहाँ पर फार्म हाउस तो बने हुए हैं लेकिन फार्म हाउस के अलावा और भी डूब क्षेत्र में कई कॉलोनी है जहाँ पर लोग बस गए हैं। लोगों को बसाया गया, उनको बहला फुसला कर फंसाया गया और अब जिला प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी की टीम एक ज्वाइंट सर्वे कराएगी। सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या अवैध निर्माण किया गया है, कब ये निर्माण किया गया है, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर आगे कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चेतावनी वाले बोर्ड और दूसरी तरफ नोएडा के डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस की कहानी, दोनों विरोधाभासी हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से जब ये फार्म हाउस झीलों में तब्दील हो गए थे तभी जिला प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी ने साफ कर दिया था कि इसका ज्वाइंट सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए बाढ़ में डूबे फार्म हाउस का ड्रोन की मदद से फोटो और वीडियो भी लिया गया था। माननीय एनजीटी की इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस भी हैं, माननीय न्यायालय की भी गाइडलाइंस हैं। डूब क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ निर्माण बहुत ही पुराने हैं और कुछ नए निर्माण भी हैं। तो हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, पूरा एक डिटेल सर्वे हम लोग करा रहे हैं कि नए निर्माण कौन से हो गए हैं, जो रोक के बावजूद भी जिन लोगों ने निर्माण कर लिए वो पूरी तरह से गलत हैं, और इसमें जो भी भूमाफिया लगे होंगे उन सभी लोगों की हम लोग पहचान कर रहे हैं। उन सभी लोगों के खिलाफ भूमाफिया के तहत हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और उन्होंने इसके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की होगी उस पर भी हम लोग लगाम लगाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ जो पुराने, बहुत पुराने निर्माण हैं उन पर हम लोग माननीय एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से सर्वे करके अर्जित करेंगे। यमुना और हिंडन दोनों के बाढ़ क्षेत्रों पर कब्जे की कहानी आज की नहीं है। इसमें हिंडन के साथ साथ स्थानीय एजेंटों और ताकतवर लोगों ने हड़पी गई जमीनों को कम आय वालों को सपने दिखाकर बेच दिया।
इसके साथ ही नदी किनारे डूब क्षेत्र में बने आलीशान विशाल फार्म हाउसों को देखकर ही साफ हो जाता है कि ये अमीर और प्रभावशाली व्यापारियों, उद्यमियों, नौकरशाहों के ही हो सकते हैं। अवैध जमीन पे बने इन फार्म हाउसों में स्विमिंग पूल और सुंदर लॉन जो अमीरों। ये है